हे दोस्तों, कैसे हो। मेरा नाम है राकेश और आज मैं रिव्यू करूंगा रूट गोस्ट के गोस्ट बैकपैक का। ये एंटी थेफ्ट ट्रैवल टैग और लैपटॉप बैग है जो मैंने अमेजन से मंगवाया है और मुझे मिला है इस पर 200 रुपये का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कूपन की जानकारी मैं इस वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा, तो इसके लिए ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए। ये बैग दो वेरिएंट में मिलता है अमेजन पर। पहला है प्रीमियम स्मूथ, दूसरा है डेयरिंग टेक्सचर। डेयरिंग टेक्सचर वाला बैग आपको 2199 रुपये का मिलता है और प्रीमियम स्मूथ आपको 2349 रुपये का मिलता है। दोनों ही बैग में बाहरी मटेरियल का ही डिफरेंस है। डेयरिंग टेक्सचर का लुक डेल और मैट ब्लैक जैसा है और वहीं हमने जो लिया है उसका लुक शाइनी और ग्लॉसी ब्लैक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों ही लैपटॉप बैग अलग अलग हैं। एक जो नॉर्मल आप हर रोज यूज़ करते हैं डेल एचपी वगैरह के, जो फ्री साथ में मिलता है, और ये रोड गोस्ट का बैग। आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफरेंस है। इस बैग की बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। बैग की बनावट कुछ इस तरीके से बनाई गई है कि कोई भी इसमें ब्लेड मारकर चोरी ना कर पाए। इस बैग पर कुछ टैग्स मिलते हैं जिसमें रोड गोस्ट के कुछ और बैग्स को भी दिखाया गया है और बैग का MRP भी बताया गया है। इस बैग का हैंडल भी काफ़ी अच्छा है और इसमें रिफ्लेक्ट रहने वाले स्टिकर भी रोड गोस्ट के लोगो टाइप मिलते हैं, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि दोनों ही साइड में आपको स्ट्रैप में मिलते हैं और आपको फ्रंट में भी मिलते हैं। इस बैग में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के जिप को यूज़ किया गया है और जो कि लंबे समय तक ख़राब नहीं होंगे। इसमें हर एक चीज़ काफ़ी अच्छी क्वालिटी की यूज़ की गई है। दोनों ही साइड में आपको वेलक्रो फिटिंग मिल जाती है। बैग के पीछे काफ़ी अच्छी फोम दिया गया है और इसको पहनने पर काफ़ी कंफर्टेबल फील देता है। अब इस बैग में अंदर की ओर देखते हैं कि अंदर की साइड में क्या क्या कंपार्टमेंट हमें मिल जाते हैं। साइड में वाटर बोतल रखने के लिए काफ़ी अच्छा दोनों ही साइड में स्पेस दिया गया है, जिसमें कि एक में आप अपना पावर बैंक भी रख सकते हैं। ऊपर की तरफ इसमें देखते हैं कि सनग्लासेस रखने के लिए काफ़ी अच्छी जगह दी हुई है इसमें, और ये इसमें दोनों ही साइड में साइड पॉकेट्स मिल जाते हैं जिसमें कि इलास्टिक फिटिंग मिलती है, जो कि कोई भी सामान आप डिओड्रेंट वगैरह इसमें आप रख सकते हैं अपना, और ये काफ़ी अच्छे से फिटिंग इसमें इलास्टिक की मिल जाती है। और हम इसमें नीचे की साइड में देखते हैं तो काफ़ी कंपार्टमेंट हमें दो जिप मिल जाती है कुछ भी आपने नोट्स वगैरह रखने के लिए, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी बात है, या बुक्स वगैरह आप इसमें रख सकते हैं, तो काफ़ी बड़ा कंपार्टमेंट हमें यहाँ पर मिलता है। अब इस बैग की दूसरी साइड में देख लेते हैं कि क्या क्या सामान रखने के लिए हमें यहाँ पर मिलता है। इसमें एक स्टिकर लगा हुआ है, इस स्टिकर की वारंटी को एक्टिवेट करना होता है। एक फ्री गिफ्ट मिलता है और इसमें एक यूज़र मैनुअल भी मिलता है, जिसमें कि बैग के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। यहाँ हम देखेंगे काफ़ी सारी पॉकेट्स मिल जाते हैं स्टोरेज के लिए। नेक वाली जिपर में आप काफ़ी सामान रख सकते हैं, ट्रैवल अडैप्टर, वॉलेट, पावर बैंक, चार्जर वगैरह। इस पॉकेट के ऊपर ही हम देखेंगे कि आपकी केबल को टेंगल फ्री रखने के लिए दो केबल ऑर्गेनाइजर मिलते हैं। उसी के साथ आपको दो छोटे पॉकेट और मिल जाते हैं जिसमें आप अपना कुछ भी कीमती सामान रख सकते हैं, और उसके ऊपर दो बड़े पॉकेट आपको नोटबुक या डायरी वगैरह रखने के लिए स्टोरेज मिल जाता है। और यहाँ आपकी बड़ी सी स्लीव मिलती है जिसमें आप अपना फुल साइज लैपटॉप रख सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप अपने लैपटॉप को इस स्लीव में आसानी से रख सकते हैं। ये बैग पूरा भरने के बाद कुछ इस तरीके से दिखता है कि आप देख ही रहे हैं कि इस बैग को मैंने पूरी तरीके से अच्छे से भरा है। तो अभी इसमें क्या क्या मैंने स्टोर किया है, पूरा अच्छे से मैंने इसमें सेट किया है, तो वो मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। इसे भरा हुआ है, अब इसमें देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसमें से ट्राइपॉड अलग करता हूँ, इसकी बेल्ट अलग करता हूँ, और एक इसमें शर्ट है वो अलग करता हूँ, एक लोअर है इसमें से वो अलग करता हूँ, और इसमें दो पैंट हैं वो दोनों अलग करता हूँ, और इसमें दो टी शर्ट हैं, और एक सेल्फी स्टिक को भी मैं निकाल देता हूँ, और इसमें एक लैपटॉप चार्जर है उसको भी मैंने निकाल दिया है। अब ऊपर की साइड में हम देख लेते हैं तो इसमें साइड पॉकेट में डिओड्रेंट रखा है उसको अलग किया है, और इसमें ऊपर की तरफ गॉगल्स भी रखे हुए हैं। तो और नीचे की साइड में चलते हैं तो हिडन पॉकेट, यहाँ पर वाटर बोतल एक रखी हुई है। इस साइड में वाटर बोतल रखी है, दूसरी साइड में आप पावर बैंक भी रख सकते हैं। इस बैग की मटेरियल कुछ इस तरीके से बनाया हुआ है कि अगर पानी इसमें गिरता है तो भी बैग के अंदर वो नहीं जाएगा।
तो 2 से 3 दिन के कपड़े आप इसमें आसानी से रख सकते हैं। अब देख लेते हैं कि दूसरी साइड में क्या क्या रखा हुआ है कंपार्टमेंट में। तो सबसे पहले जिप वाली जो कंपार्टमेंट है उसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या रखा हुआ है इसमें। इसमें भी काफ़ी सारे डेटा केबल्स वगैरह और चार्जर, वॉल चार्जर वगैरह, अडेप्टर और पेन ड्राइव बॉक्स वगैरह, तो काफ़ी चीज़ें इसमें हमें ने रखी हुई थी। तो इस वाली पॉकेट में बहुत सारा सामान आ सकता है आसानी से। और जो दो पॉकेट्स हैं उनमें भी काफ़ी सारा सामान आ सकता है। ये देखिए, इसमें से मैं नोटबुक रखा हुआ था और इसमें मैंने कुछ कार्ड होल्डर वगैरह रखे हुए थे। आईपॉड मेरा इसमें रखा हुआ है और जियो का आपका राउटर इसमें सब कुछ रखा हुआ है। और अब इसमें से निकाल देते हैं 15.6 इंच का, यानी फुल साइज़ मेरे पास एक लैपटॉप है HP का, तो ये भी हमने इसमें से निकाल दिया है। आप देखेंगे कि इतनी सारी चीज़ें मैंने इस लैपटॉप में रखी हुई थी। इसके अलावा आपके राइट स्टेप में एक जिप मिलती है जिसमें आप कार्ड, कैश कैश कीज वगैरह रख सकते हैं विदाउट बैग खोले। और ये बैग वाटर रेजिस्टेंस और वाटर रिप्लेमेंट मटेरियल से बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पानी में भीगने के बाद भी इस पर पानी नहीं रुक रहा है, जो कि साथ के साथ नीचे गिर रहा है। और आप इस बैग को साफ़ करें तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा, थपथपाने से ही ये पानी सारा हट जाएगा। बट और मैं आपको एक बात बता दूं कि वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ बैग नहीं है। बैग में रोड वॉश के लोगो रिफ्लेक्टर हैं, जो कि बाइक राइडर की नाइट में काफ़ी मदद करेंगे और ये काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है नाइट में। अगर आप ये बैग लेना चाहते हैं तो अमेजन से आप ये बैग खरीद सकते हैं और उसमें कूपन कोड लगा सकते हैं, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका होस्ट राकेश। जय हिंद, जय भारत।